गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों सर्दियों का समय है, आप अपना विशेष ध्यान रखिए और घर में रहिए, सेफ रहिए और टाइम से पढ़ाई कीजिए। देखिए हमारी हिंदी कनक व्याकरण एवं रचना, इसमें से हम पाठ 9 समान अर्थ वाले शब्द 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारा ये चैप्टर है समान अर्थ वाले शब्द। इसके बच्चों हम शब्द पढ़े थे और इसका पुस्तक अभ्यास कार्य किया था, ठीक है। अब हम आज एक नया अभ्यास कार्य कर रहे हैं जो इस बुक में नहीं है, वह मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये देखिए कुछ शब्द हैं यहाँ पे, इन्हें हमें गोला लगाना है। कैसे करना है अब हम सीखते हैं। प्रश्न है हमारा समान अर्थ पर गोला लगाइए। ये बच्चों एक शब्द के यहाँ 2 अर्थ दिए हैं जिनमें से एक सही है और एक गलत। जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है या गोला लगाना है। अब देखिए पहला शब्द है पानी। पानी को हम और क्या कहते हैं, बादल नहीं, जल हाँ, पानी को हम जल कहते हैं। पानी का दूसरा नाम जल है तो इस पर हमने गोला लगा दिया। दूसरा है हमारा सूरज। सूरज, सूरज को हम, मैंने आपको लिखवाया है रवि, और सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, धूप नहीं, तो हम सूर्य पर गोला लगा। तीसरा है हमारा पेड़। पेड़ देखो, पहाड़ नहीं, वृक्ष पेड़ का दूसरा नाम वृक्ष है, तो हमने वृक्ष पर गोला लगा दिया। नंबर 4 घर। घर पहला ऑप्शन है पाठशाला। पाठशाला माने तो विद्यालय होता है, स्कूल होता है। घर को हम क्या कहते हैं, ग, इसमें री की मात्रा लगी, री से ऋषि वाली, गृह, गृह, ठीक है। 5th है मित्र। मित्र, मित्र माने भाई नहीं, दोस्त। तो इन शब्दों के जो सही अर्थ थे उन पर हमने गोला लगाया है। ये एक्सरसाइज बच्चों आपको कॉपी में करनी है इसी तरह से, ठीक है। धन्यवाद।